ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी बात बता रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों के निर्णय पर जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच आगे को लेकर अब बातचीत हुई है कि सरकार आगे किस तरीके से किसानों को मनाएगी। किसानों ने कहा है कि कोई नया प्रस्ताव सरकार दे तो बातचीत होगी। इसी मसले को लेकर ये बैठक हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमित शाह के घर पर जो बैठक चल रही थी किसान आंदोलन को लेकर, वो बैठक अब खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, ये जो बैठक हुई है, चूंकि सरकार को भी पता है कि मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं, इसलिए अमित शाह खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्या खास बातें रही इस बैठक की? जी बिल्कुल, पार्टी बात करें तो लगभग ढाई घंटे ये बैठक चली। किसानों ने जैसे ही प्रेसवार्ता की और प्रेसवार्ता करके तमाम सारी चीजों की जानकारी दी, चाहे वो टोल फ्री करने की जानकारी हो या भारत बंद को लेकर एक बार जानकारी हो, उसको लेकर गृह मंत्री के साथ खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसी को लेकर आगे बातचीत के लिए किस तरीके से बुलाया जाए किसानों को, इसको लेकर मंथन हुआ है। क्योंकि किसानों ने कहा कि सरकार अगर कोई नया प्रपोजल देती है तो जरूर बातचीत करेंगे, अगर नया प्रपोजल नहीं देती है तो सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। इसी बैठक में ये तय कर रहे थे कि आगे किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, क्या प्रपोजल तैयार किया जाए, इसको लेकर काफी मंथन हुआ है। अब जाहिर तौर से बात है, कल सरकार अप्रोच करेगी फिर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी किस तरीके से सरकार किसानों को बातचीत की मेज पर दोबारा वापस ले आती है और क्या कुछ आगे प्रस्ताव देती है बातचीत के लिए किसानों को। अविनाश, तो क्या कल कोई बैठक हो सकती है, ये भी जरा संक्षिप्त में जानकारी दे दीजिए। देखिए प्राची, अभी तक कोई बैठक तय नहीं है कल, लेकिन सरकार की यही कोशिश रहेगी कि किसान नेताओं के साथ एक बार फिर से संपर्क करके उनको बातचीत के लिए बुलाया जाए। और ढाई घंटे जो मंथन चला है उसमें यही है कि किसान नेताओं को कैसे अप्रोच किया जाए आगे की बातचीत के लिए और कैसे उनको बातचीत के लिए दोबारा बुलाया जाए जिससे कि समाधान और कैसे उन्हें मनाया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार लगातार बैठक कर रही है मंत्रियों के साथ, खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं ताकि किसानों को मना लिया जाए। अभी जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव सौंपा गया किसानों को, वो प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से मंथन चल रहा है सरकार में और ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर किसानों को लाया जाए, किसी तरीके से संपर्क किया जाए और उनसे बातचीत कर इस मसले का हल निकाला जाए। तो देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको यह भी बताया था कि जहां सियासत बटी हुई है इस मसले पर, तो वहीं किसान भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यूपी की अगर हम बात कर लें तो अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसान इस आंदोलन से नदारद हैं। ऐसा क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सवित मलिक, किसान नेता, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सवित जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नजर आ रहा है, हरियाणा का किसान हमें नजर आ रहा है जो दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहां पर किसान जमे हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड का किसान नदारद है? देखो, एक तो ठंडी का सीजन है और वहां से दूरी थोड़ी ज्यादा है। दूसरा, हमारा जो पूर्वांचल का एरिया है, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करी जा तो प्रति व्यक्ति आय में वो बुंदेलखंड से भी पीछे है पूर्वांचल हमारा। वहां पे छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने संसाधनों से आ चुके, और कोरोना की वजह से जो ट्रेनें बंद हैं, ट्रेन की वजह से वो किसान नहीं आ पा रहे। लेकिन समस्या उनके साथ भी इतनी है जितनी वेस्टर्न यूपी के साथ में है, लेकिन कारण यही है कि उनके पास आने के लिए उतने संसाधन नहीं है। अगर ट्रेन चलती तो वो लोग यहाँ से भी ज्यादा आ जाते। ठीक है सविद जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, मैं आने की बात नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ आंदोलन में साथ आने की, क्योंकि कोई बयान, कोई बातें पूर्वांचल के किसानों की अभी तक सामने नहीं आई हैं, जो इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन होते आए हैं बस्ती में, आपके मुंडेरवा में एक चीनी मिल था, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन पहले भी हो चुका है, और आपका जो है बहराइच में भी गन्ने की खेती होती है, सीतापुर में भी आंदोलन होता है, और आपका जो है ये लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, हर जगह आंदोलन होते रहे हैं। और जैसे हमारे संगठन है 75 से
75 के 75 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष है, सब जो है अपना काम कर रहे हैं और अपना विरोध जताने के लिए वो बार बार लगातार डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देते रहते हैं और किसानों को समस्याओं को उठाते रहते हैं। लेकिन ये तनु जी, आप सही नहीं कह रहे लगता हैं, आपको, नहीं लगता आपको कि जितनी मजबूती से पश्चिमी यूपी में, ये जो दो धड़ों में बटा हुआ किसान नजर आ रहा है, पूर्वांचल का किसान अलग नजर आ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अलग नजर आ रहा है, इसने कहीं ना कहीं सरकार को भी मौका दे दिया है और सरकार भी अब लगातार सवाल उठा रही है इस आंदोलन को लेकर? नहीं नहीं किसान बटा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार जरूर ये कर रही है कि जैसे भारत बंद था, भारत बंद में जहां पर साप्ताहिक बंदी थी वहां भी सरकार ने उन बाजारों को खुलवाने का काम किया है। समित जी, सरकार आपको एक नहीं लगता, दिखावा कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये सवाल जरूर उठेगा कि वो फिर कौन सा धड़ा है किसानों का जिसे इतनी ज्यादा आपत्ति है कि सरकार अभी झुकने को तैयार हो गई है, लिखित में संशोधन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं कर पा रहा है सरकार पर? विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहा, जब से ये लोग शासन में आए हैं लगातार इन्होंने झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं। इन्होंने यूपी के चुनाव में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने आके वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन 14 हफ्तों के बाद भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हम लोग इन पर विश्वास कर ले? इन्होंने कहा था हम किसान की आय डबल करेंगे, इन्होंने जो है खर्चे डबल कर दिए हैं, बिजली का बिल जो है कई गुना बढ़ गया है, खाद का भाव बढ़ गया है, ठीक तो है हम समित लोग जी, कैसे किसानों वादा कर ले? और सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही, नहीं बन पा रही, अब आगे क्या होगा? आंदोलन को और किस तरीके से आप लोग तेज करेंगे? अभी प्रेस वार्ता हुई है, उसमें घोषणा हुई है कि 12 तारीख को पूरे भारत के टोल फ्री किए जाएंगे, 14 तारीख को पूरे देश में मुख्यालयों पर धरने दिए जाएंगे और रिलायंस के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और उन पर विरोध जताया जाएगा। किसान अपना आंदोलन जैसे अभी तक चला रहा है शांतिपूर्वक तरीके से चलाएगा, लेकिन इसको अब धार और तेज हो जाएगी और दिल्ली को घेरने का प्रयास और तेज किया जाएगा। ठीक है समित जी, लेकिन इस बीच अभी हमने अपने दर्शकों को खबर बताई कि अमित शाह ने एक और बैठक की है कृषि मंत्री के साथ, उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने क्या बातें रखी हैं, क्या मांगे रखी हैं, तो सरकार अगर कोशिश करती है बातचीत की और कल एक बार फिर से निमंत्रण देती है तो क्या किसान बातचीत करेगा, एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आएगा? सरकार से किसान बात करने के लिए हमेशा तैयार है, बात करने के लिए वो अपने घरों से निकला था और बात करने के लिए दिल्ली जा रहा था, सरकार ने ही उसको रोक के रखा है सड़कों पर और लगातार किसान बात कर रहे हैं और आगे भी करेगा, क्योंकि किसान इसका हल चाहता है और वो चाहता है कि ये तीनों बिल वापस हो और हमको एमएसपी की गारंटी मिले। एमएसपी की गारंटी तो सवित जी दे रहे हैं, लेकिन कानून वापस लेने को सरकार भी अभी तैयार नजर नहीं आ रही है, गुंजाइश सरकार नहीं दिखा रही है, तो फिर आप आगे क्या? देखो जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो गए किसान अब की बार हटने वाला नहीं है, क्योंकि किसान को पता लग गया है अगर अब की बार वो वापस चला गया तो फिर ये सरकार उसके लिए कुछ भी करने वाली नहीं है और एकदम से जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये लोग कहते हैं हमने किसान के लिए बिल लाए हैं, अगर किसान के बिल लिए लाए हैं तो उसको समझाते क्यों नहीं कि इसमें क्या अच्छाई है, और किसान को क्या समझाएंगे? इनके अपने साथ में जो मंत्री थी हरसिमरत कौर जी उसको नहीं समझा पाए, वो इस्तीफा देकर चली गई, और अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही इनकी एक या दो प्रदेश में सरकारें भी जा सकती हैं, क्योंकि वहां के विधायक और मंत्रियों के पास लोकल का इतना दबाव है कि उन लोगों को रिजाइन करना पड़ सकता है, तो ये अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे, अगर मैं आरएसएस को नहीं किसानों की समझा पा रहे। परेशानी आपसे समझूं, मैं अगर किसानों की परेशानी आपसे समझूं, देखिए बिचौलियों की वजह से किसान कितना परेशान रहा है ये हम सबने देखा है, सरकार कह रही है कि इस कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो नहीं लगता आपको कि बिचौलिए खत्म होंगे या लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी? मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि बिचौलिए पहले भी खत्म नहीं हुए थे, अभी क्या है कि मंडी में जाकर किसान पहले से पैसे ले आता है और बाद में उसको फसल बेचता है, लेकिन यहाँ तो सरकार फसल खरीद लेती है और फिर भी पैसा नहीं देती है। दूसरा इन्होंने जो कहा है जो ये एफसीआई के फूड का जो इनका बजट होता है उसको 168 करोड़ रुपए इस साल कम कर दिया है, तो आगे की जो सरकारी खरीद है वो अपने आप प्रभावित होगी, तो किसान का कम खरीदा जाएगा। सरकार धीरे धीरे करके किसानों का जो है सरकारी खरीद बंद करना चाहती है।
बिल्कुल सविद जी, आज जिस तरीके से बयान सामने आया आपकी तरफ से, उसमें उद्योगपतियों पर भी किसान जो हैं वो निशाना साधेंगे। अभी एक दो नाम सामने आए हैं, तो क्या माना जाए, आगे और भी उद्योगपतियों के नाम सामने आ सकते हैं जिनके खिलाफ ये आंदोलन होगा? देखो, अभी अडानी और अंबानी जी का नाम आ रहा है, लेकिन आपको पता है गूगल, फ्लिपकार्ट और ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो हमारे रिटेल में कब्जा करना चाहते हैं, जो भारत का बहुत बड़ा बाजार है, 1200 अरब डॉलर का एक रिटेल का कारोबार हिंदुस्तान में है, उसको ये कब्जाना चाहते हैं। इन बिलों से भारत की 80% जनता प्रभावित होने जा रही है। अभी तो किसान लड़ाई लड़ रहा है, अगर ये बिल पास हो जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो इससे आम आदमी को भी बड़ी दिक्कत ठीक है होगी। सविद जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आप कानून रद्द होने से कम की सूरत में नहीं मानेंगे, कानून रद्द हो ये किसान लगातार मांग कर रहे हैं और आंदोलन और भी तेज आप लोग करेंगे। शुक्रिया कोई आपका व्यापारी हमारे भी साथ खत्म जुड़ने के होगा। लिए। बिल्कुल सविद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किसान नेता क्या कह रहे हैं, सरकार का पक्ष भी हमने आपको सुनाया, यानी अभी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।